हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स, फिर वो स्टेट बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो या ICSE बोर्ड के हो। आप सबको ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग क्या होने वाला है इन फ्यूचर, अब तक क्या हुआ, एंड यस हम लोग स्टडी करें या ना करें, अगर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चों ने कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब तक क्या हुआ एंड इसके आगे क्या होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है या प्रिपरेशन बंद करना है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सबको पता है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, एंड उन्होंने जो असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है वो होगा इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका साल भर का परफॉर्मेंस वो इवेल्यूएट करके आपके मार्क्स अलोकेट कर दिए जाएंगे, एंड वो पूरा क्राइटेरिया आपका स्कूल कॉलेज डिसाइड करेगा। राइट, 10th की बात करो तो ऑब्वियसली स्कूल डिसाइड करेगा। अभी उन्होंने डिसीजन जो दिया नहीं है, या तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात ही कर रहे हैं, वो है 12th के एग्ज़ाम्स उनको कंडक्ट करने हैं। बट बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, और बाकी के सभी फैक्टर्स से रिएक्शंस आ रहे हैं, इसके लिए 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के डेट्स भी नहीं हैं, जो अगर पहले थे, जो कि पोस्टपोन हो चुके हैं, वो भी अफेक्ट करता है ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। उनकी वजह से ही वो पोस्टपोन हुए हैं, जो एग्ज़ाम कैंसिल थे वो कैंसिल हो गए हैं, मतलब जो कर दिए हैं वो। तो अभी हमको ये डिसाइड करना है कि जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो हो गए या नहीं हो गए, अब तक क्या हुआ है एंड आगे क्या होगा। अभी तक आप सबको पता रहेगा कि एक बात मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उन्होंने ये स्टेट बोर्ड्स ने अपने अपने 12th के स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम के डेट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं। यूपी हो, दिल्ली हो, उसके बाद में अदर एमपी आई थिंक, उन्होंने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के डेट्स हम लोग जल्द ही डिक्लेयर करने वाले ऐसा बोल दिया। महाराष्ट्र हो और बाकी के साथी कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 1 वीक के लिए और 2-3 दिन के लिए रोकेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग बाद में हमारा डिसीजन देंगे कब डेट्स डिक्लेयर करने हैं या एग्ज़ाम कैंसिल करना है, पोस्टपोन करना है अकॉर्डिंगली। अभी हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को प्रिपरेशन करना भी है या नहीं करना। ये टोटली डिपेंड करता है सर कि जो हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल बोर्ड है, CBSE की बात करो चलेगा, क्योंकि इनका ही डिसीजंस बाकी के स्टेट बोर्ड्स क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो स्टडी करना है नहीं करना है ये जानने के लिए हम लोग वो सेंट्रल बोर्ड क्या कर रहा है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। CBSE ने हमारे जो एजुकेशन सेंटर के, राइट, तो उन्होंने क्या कहा था, एक मीटिंग कंडक्ट करके सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स वो मीटिंग में प्रेजेंट है, उन्होंने कहा आप एज अ स्टेट आपके ओपिनियंस हमको दो, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, कंडक्ट कराना भी चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए या कैंसिल ही कर दो, राइट। ये आप हमें पहले क्या करो, एक सजेशंस के तौर पे प्रोवाइड करो। ऐसा जो सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो कि रमेश पोखरियाल जी समथिंग है, उन्होंने स्टेट को कहा कि आप अपने सजेशंस दे दो। अभी ये सजेशंस आने के लिए और 1-2 दिन का या 2-3 दिन का और टाइम जाएगा अकॉर्डिंगली, उसके बाद डिसीजन आएगा। अभी इसमें क्या होता है, बाकी के जो स्टेट्स हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, उन्होंने कहा कि रुको, हम लोग और 2-3 दिन के बाद डिसीजन प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये 2-3 दिन में हम लोग हमारा ओपिनियन सेंट्रल को भी देंगे, अकॉर्डिंगली क्या रिएक्शन आता है उसके ऊपर हम लोग 2-3 दिन रुक के आपको क्या करेंगे, हमारा ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। और ये चलते आ रहा है टिल जब से ये सिचुएशन है, वहाँ से चलते आ रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराना है नहीं कराना है, और डेट्स कब होंगे, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब अभी तक भी उनका सब फिक्स नहीं है। कुछ सिलेबस पहले कुछ रिड्यूस किया होगा आप बोल रहे होगे, नहीं,
उन्होंने रिड्यूस किया था, ठीक है अभी कुछ और चल रहा है इनका, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे एग्जाम लेंगे या तो जो मेन सब्जेक्ट से उनका ही एग्जाम लेंगे। ये मैं मेरी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये जो मीटिंग में उनके डिसाइड हुआ था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमको अभी क्या करना है सर, हमको रुकना है। हम लोग जो ऑलरेडी जो कुछ पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे थोड़ा बहुत, आप स्टार्ट करो। देखो समवन हैज ऑलरेडी सेड, किसी ने कहा है, अच्छा कहा है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा नया, आपने नया कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, कंटिन्यू रखो आपकी स्टडीज को, राइट। दिन ब दिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा पढ़ना ही है आपको। जो भी डिसीजन आता है, ऑब्वियसली वी आर हियर टू इन्फॉर्म यू। अभी तक मैंने जो आपको बताया, CBSE के बोर्ड का फाइनल डिसीजन नहीं आया, डेट जो पहले डिक्लेयर हुए थे वो पोस्टपोन हो गए, कैंसिल ही कर दिए थे उन्होंने। तो अभी जो डिसीजन आएगा वो बाकी है सर, होल्ड पे है। आप सबको मैं बता दूँ, बाकी के बहुत सारे स्टेट्स ने, मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, जो छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, उन्होंने डेट्स डिक्लेयर कर दिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है 12th का। महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड हो और यूपी बोर्ड हो, उन वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। हाँ एग्ज़ाम कैंसिल करने पे ही ये लोग अड़े हैं, बट वो कंसिडरिंग द ओपिनियंस ऑफ सेंटर, सेंटर के भी ओपिनियन लेने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है नहीं कराना है उसके ऊपर डिसीजन देने वाले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो स्टेट के हैं, महाराष्ट्र स्टेट के, वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग CM के साथ डिस्कस करके 2-3 दिन में डिसीजन देंगे। बराबर, तो इसके ऊपर हमारी नज़र है। आपको क्या करना है सर, आपको जुड़े रहना है, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है सर। डिसीजन जैसे ही आता है, ऑब्वियसली चाहते हैं हम कि आपका भी वो असेसमेंट एज ए इंटरनल असेसमेंट करके ये एग्ज़ाम कैंसिल करके ही, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया बच्चे। ऑब्वियसली आप मेरी बात करो, आप अपने आप की बात करो, या अराउंड सराउंडिंग जो भी है, कोई भी एग्ज़ाम देने वाला बच्चा हो, उनके एग्ज़ाम जब से पोस्टपोन पोस्टपोन हो गए ना, तो वो उनका इंटरेस्ट इन स्टडीज़ कम होते जाता है, राइट। तो बच्चे भूलते जाते हैं, ये उनको समझना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, एंड जो भी इंटरनल असेसमेंट है वो फॉलो करना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है। जो भी आता है हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको क्या करना है सर, जुड़े रहना है। अगर बच्चे आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।